सिंहवाड़ा प्रखंड के ग्राम पंचायत हरपुर में योजनाओं की जांच करने पहुंचे ग्रामीण विकास विभाग पटना से 3 सदस्य टीम। सिंहवाड़ा प्रखंड के ग्राम पंचायत हरपुर में आज ग्रामीण विकास विभाग पटना के 3 सदस्यों जांच टीम SQM द्वारा हरपुर पंचायत के कुल जो कि आवेदनकर्ता के द्वारा उस आवेदन में 57 योजनाओं की जाँच कराने की मांग किया गया था, जिसमें आज 12 योजनाओं का जाँच SQM जाँच टीम द्वारा किया गया। अब देखना यह है कि इस आवेदन में बचे और कितने योजनाओं की जांच होती है और जो 12 योजनाओं की जांच की गई है उसमें कितने का बंदरबाट या सही तरीके से योजना जमीन पर उतरा, इसका क्या रिजल्ट निकल कर सामने आता है। वहीं ग्रामीण विकास विभाग पटना के जांच सदस्य टीम ने जांच के बाद वहां मौजूद जनता से भी पूछा कि आप इस जांच से संतुष्ट है कि नहीं, तो जनता ने एक सुर में कहा कि हम संतुष्ट है। मीडिया के सवालों पर जांच पर अधिकारी ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर इसका रिपोर्ट देंगे। अब देखना यह है कि इस जांच में क्या रिपोर्ट निकल कर आता है या फिर यह जो जांच के लिए आवेदन दिया गया था 57 योजनाओं को लेकर के यह सिर्फ एक पंचायती राजनीति है या सही मायने में योजनाओं में गड़बड़ी हुई है। इसको लेकर के वर्तमान मुखिया जो फिर से इस चुनाव में जीत कर आए हैं और उन्हीं के कार्यकाल में विगत पिछले पंचवर्षीय योजना पर यह जांच आवेदन दिया गया था, उनका भी इस जांच टीम के आने और उनके जांच करने पर क्या कुछ कहना है और साथ में आवेदनकर्ता ने भी आज के जांच टीम के आने के बाद उनका क्या कुछ कहना है, इस पर आइए आप भी सुनिए। सर 2016 में हम मुखिया बने, 2016 से काम किए 5 साल। पिछले साल 21 में चुनाव का तो समय था, जब मार्च में चुनाव होगा जी, चुनावी रंजिश के चलते हुए लोग कुछ लोग जो है चुनाव लड़ने वाले वो अपना पिटीशन दिए हर जगह, काम गलत है ये है वो है, अपना जो लगा बजा के देना था दिए, जिसका जांच हुआ फरवरी में। जांच दल आए थे, वो कहे जी इतना योजना का जांच करना अव्यवहारिक है, लिख चुके हैं। जहाँ खरंजा है वो रोड है अभी दिखाई दे रहा है, जहाँ मिट्टी पड़ा है वो बाढ़ के कारण फंसता है। खास करके यहाँ पर कंप्लेन था जो 20 योजना चला, योजना तो हम लोगों को काट करके करते हैं, 5 लाख के अंदर जो मुखिया का प्रशासनिक होता है हम लोग करते हैं, तो यहाँ बड़ा प्लांट है जगह है तो इसमें तो काट के योजना बनाएंगे तो 20-22 को होबे करेगा। लोग कुछ चुनावी रंजिश के कारण, चुनाव भी हुआ है 31 को शपथ ग्रहण हुआ है, चुनावी रंजिश के कारण कुछ लोग कर रहे हैं जबकि योजना पर 3 बार पैसा उठा लिया, सबके लिए पिटीशन पड़ा हुआ था पहले से भी, अभी भी लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं स्पष्ट रूप से जो हम पंचायत में कोई विकास का काम नहीं होने दे रहे। अच्छा, अगर आप विकास का काम नहीं किए हैं, विपक्ष आवाज उठा रहे तो इस बार फिर आप दोबारा चुन के आए हैं? जी जी, काम किया है, जनता तो आपको चुन के बैठ काम तो किया है पंचायत में, तभी जनता को मान सम्मान दिया है, काम किया है तब तो मिला है। अच्छा ये बताइए कि कहाँ तक लगता है कि आपसी चुनावी रंजिश तो ठीक है, लेकिन मिट्टीकरण जो 4-5 साल पहले कार्य किया गया बाढ़ का क्षेत्र है, इस पर बार बार आकर के मतलब जांच बैठाना या किसी तरह का पिटीशन मारना, वो मिट्टी यहाँ रहेगा? जी नहीं, नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। है, एक बार लिख चुके हैं जांच पदाधिकारी जी, अव्यवहारिक है जी। अपना परिचय? मेरा नाम परशुराम यादव हुआ। जिस क्षेत्र पे हम लोग बैठे हुए हैं, जिस योजना का जांच हुआ है, इससे मिट्टीकरण आपने किया है, कितना फीट मिट्टीकरण कितना में किए होंगे या कितना नुकसान हुए? मिट्टी जितना एस्टिमेट था उसके आधार पर काम किया गया है, संतोषजनक काम, संतोषजनक है जी। न ऐसा नहीं है, सब चुनावी रंजिश है, सब चुनावी रंजिश जी। अभी पूछा जाए तो 90% लोग कहेंगे जो काम अच्छा है, चुनावी रंजिश के कारण 2-4 लोग कहेंगे जो काम गलत है, यही हो रहा है। अच्छा कौन सा पंचायत हो गया ये? हरपुर पंचायत है। अभी हम लोग जो बैठे हुए हैं ये पंचायत सरकार भवन है, ये भी आप ही के मतलब रीजन में बना है? जी हमारे समय बना, आप ही के कार्यकाल में बना है। सरकार भवन के पास जाँच हो रही, कितनी योजना पर आपत्ति जताए थे आप? देखिए कुल माने जो आवेदन दिया गया है जाँच टीम के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के SQM माने जो हम नरेगा का जो जांच टीम है वो आए, उसमें कुल 97 योजना पर आपत्ति है कि माने इसमें घोटाला हुआ है। लगभग पूरे पंचायत में मनरेगा योजना से संबंधित 3 करोड़ का घोटाला है। तो इन्होंने कल जैसा मालूम हुआ हमको कि माने जो है सो आपको 3 या 4 योजना का जांच किए, आज कुछ कुल 12 योजना का जांच किए है, जबकि सरकार भवन के पास खेल मैदान में पूरे 28 योजना जांच करना है, जिसमें मात्र 12 योजना का जांच हुई है। तो आप चाहते हैं 28 योजना जांच जी, 2800 योजना वो सरकार भवन के पास माने जांच हो, उसमें एक ही योजना पर नाम बदल बदल के माने कई बार पैसा उठाए हुए, लगभग वहां सरकार भवन के पास अगर पूरी 2800 योजना का जांच किया जाए तो उसमें 50 लाख का वहीं पे गबन पकड़ा जाए। नरेगा के माध्यम से कौन सी योजना वहाँ पे अधिकतर की गई थी? उसमें मिट्टी भराई किया गया भूमि विकास, मगर नाम बदल बदल के एक ही योजना को 6 महीने बाद दूसरा योजना नाम बदल दिया, तो 6 महीने बाद फिर तीसरा नाम बदल दिया, इस तरह का पैसा माने बना के योजना उठा लिया गया पैसा।
किस काल किस वर्ष तक का है? वर्ष 2016-17 में लिया गया, वर्ष माने 2017-18 में लिया गया, 19-20 में लिया गया। सर सही काम और गलत काम का नहीं है, यहाँ विरोध अविरोध की बात होती है। अच्छा। बस जबरदस्ती में आपको जांच करवाना, जांच करवा दी, वोट हार में हार गए इसलिए जांच हो रहा है और कुछ नहीं। मतलब हार, एक मिनट, हार जीत के कारण लोग भेदभाव से जांच जांच हुआ नहीं जी। तो मिट्टी का जो मामला यहाँ उत्पन्न हो रहा था कि मनरेगा के माध्यम से काम हुआ, तो कितना रकबा होगा इसका, एरिया क्या होगा? 30 बीघा तो कम होगा, 30 बीघा रकबा होगा। तो मिट्टी भराई, अधिक मिट्टी भराई कितना हुआ था जी? सर क्या पूछ, सबसे अधिक गड्ढा कहाँ पर था मिट्टी भराई में, कितना फीट भराया गया? आप चल के आ रहे हैं ना सर, थोड़ा सा था, पूरे दोनों साइड पूरा गड्ढा ही था, 7-8 फीट गड्ढा था। जहाँ सैलाब आता है ना पानी, हम लोग फ्यूज जोड़ने नहीं आ सकते थे, अब फ्यूज जोड़ने आते आराम से। नहीं, अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं सरकार पंचायत भवन पे, यहाँ पे कितना भर करके बनाया गया ये? सर ये तो बहुत ही गड्ढा था, कितना तो हम लोग मतलब 7-8 फीट मान ली, उससे ज्यादा गड्ढा था, आ नहीं सकते थे, आ नहीं पाते थे सैलाब लोग टाइम में, अब आ नहीं सकते डर से। सब जब हो रहा था तो आप लोग थे यहाँ? हाँ। तो अभी जो नापी हो रहा है इसमें क्या लग रहा है कि काम उस समय आप लोग को लगा था कि कुछ गलत हो रहा है? सही काम तो हुआ, काम हुआ, काम हुआ है। अच्छा, तो पूर्व मुखिया जी काम किए थे? परशुराम यादव जी काम, यादव जी काम किए थे, तो काम अच्छा किए थे ना जी? सर तभी ना अपार बहुमत से जीत के आए। ये जो अभी लगा था जो आवेदन जांच आया है, तो इसमें आप लोग को क्या लग रहा है, सही जांच है या गलत जानकारी दिया कि जांच आया है? जांच तो सही हुआ है, जांच होना चाहिए था काम। आप लोग को लग रहा था कि जांच करवाया जाए? हम लोग इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।